जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पीछे कुछ पर्सनल ऑक्यूपेंसी की वजह से मैं वीडियोस नहीं दे पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब मैंने कुछ आज नया एक आपको चीज़ बताने का कोशिश किया है। इसमें क्या है कि हम लोग हमेशा बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं इस बात से। सपोज तो कोई आदमी आपके पास अपनी कुंडली लेकर आ गया, कोई नेटिव, तो आप ये नहीं समझ पाते कि मैं उसे कैसे स्टार्ट करूं, क्या देखना स्टार्ट करूं उसके अंदर। सबसे पहले तो वो बहुत ज़रूरी होता है मालूम होना कि किसी भी कुंडली को देखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पहले तो चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हाउ टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें आप। तो उसके ऊपर मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, 4-5 लेक्चर्स में ख़त्म हुई पार्ट में। पहले पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ें सेकंड पार्ट में, कुछ थर्ड में, कुछ फोर्थ में, इससे बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि कुंडली कैसे देखा जाता है और कैसे स्टार्ट करें। अगर आपने ये 4-5 पार्ट देख लिए तो आपको कभी भी कोई कुंडली आपके पास आती है तो आपको प्रेडिक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ जाएंगे कि आपको प्रेडिक्शन कैसे स्टार्ट करनी है। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जब भी कोई नेटिव आपसे कहता है कि मैं आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ सब चीज़ के बारे में, अपने विवाह के बारे में भी, संतान के बारे में भी, पुत्र सुख के बारे में भी, अपनी हेल्थ के बारे में भी, अपने रोग के बारे में भी, अपने डेप्थ्स के बारे में भी, जो भी चीज़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं उनके बारे में भी, मतलब मैं चाहता हूँ हर चीज़ आप मुझे बताएं। तो काफ़ी लंबा काम है हर चीज़ को स्टडी करना, हर भाव को स्टडी करना, सब चीज़ों को देखना, तो वो लंबा काम तो उसके अंदर होता ही है। कुंडली को देखना ऐसा नहीं होता कि आप 10 मिनट में देख के आपने किसी को कुछ बता दिया। टाइम लगता है उसके अंदर देखने में। अगर आप ढंग से देखना चाहते हैं सारे, उसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। बाहर तो जाएंगे या तो सिंपली आपको वो एक छोटे से पेपर पर कुंडली बनाएगा, बता देगा। तो ये कुंडली ठीक है, कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, कुछ प्रैक्टिस भी होती है ऐसे लोगों की, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती बिकॉज उसके अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग टूल्स नहीं होते उसके अंदर। एक इंजीनियर को काम करना है तो उसे टूल्स चाहिए, एक डॉक्टर को काम करना है तो उसे भी टूल्स चाहिए सर्जरी करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। इसी प्रकार से एक ज्योतिष को काम करना है तो उसको भी टूल्स चाहिए डिफरेंट किसी चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए। क्या टूल्स चाहिए? पहला आता है बर्थ चार्ट। जब भी किसी नेटिव कुंडली आप देखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक तो उसकी जन्म कुंडली आपके पास होनी चाहिए, बर्थ चार्ट जो होता है जिसे लग्न कुंडली बोलते हैं। दूसरी, चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली का मतलब होता है कि चंद्र जहां बैठा हुआ है आपकी लग्न कुंडली में, उस राशि को लग्न बना के जो कुंडली बनी वो चंद्र कुंडली कहलाती है। तो ये होनी चाहिए। ये आप जब भी कभी सॉफ्टवेयर से कुंडली निकालते हैं तो उसके साथ साथ बर्थ चार्ट भी निकलता है, इसमें चंद्र कुंडली भी निकलती है उसके अंदर। तीसरा होना चाहिए नवमांशा चार्ट। आपकी देखिए, नवमांशा चार्ट से पहले आपको बता दूं मैं चंद्र कुंडली की क्या इंपॉर्टेंस है। कि सपोज कीजिए कि आप देख रहे हैं अपनी लग्न कुंडली और आप सेकंड भाव की स्टडी कर रहे हैं, आप देखते हैं कि सेकंड भाव का प्लैनेट जो लॉर्ड है वो बहुत अच्छा प्लेस्ड है, सेकंड भाव में भी कोई बुरी दृष्टि नहीं है, सेकंड भाव का जो कारक है बृहस्पति वो भी बहुत अच्छा है, तो आपने कब प्रेडिक्शन दिया कि साहब आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी रहेगी। फिर आप वही सेकंड भाव चंद्रमा से देखिए, चंद्र राशि से देखिए, जो चंद्र कुंडली मैंने बताया, अगर वो भी ये शो करता है कि हाँ अच्छा रहेगा तो 100% अच्छा रहेगा, मतलब कोई उसके अंदर जरासी कहीं कोई संदेह की कोई बात ही नहीं होगी, कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं होगी कि वो अच्छा नहीं रहेगा, प्रॉस्पेरिटी लाइफ में रहेगी। लेकिन अगर लग्न कुंडली आपकी बोलती है कि हाँ आपके पास वेल्थ रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, लेकिन चंद्र कुंडली उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती, तो ऐसा नहीं कि वेल्थ नहीं रहेगी, क्योंकि लग्न कुंडली आपने देखी है तो वेल्थ तो होगी लेकिन फिर मॉडरेट होगी, फिर अबंडेंट मनी होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मून चार्ट भी आपके पास होना चाहिए। फिर डी नाइन चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। डी नाइन चार्ट केवल विवाह के लिए नहीं इस्तेमाल करते, इससे प्लैनेट की ओवरऑल स्ट्रेंथ देखी जाती है। एक प्लैनेट अगर डी वन चार्ट में उच्च राशि में है लग्न कुंडली के अंदर, और डी नाइन चार्ट के अंदर अगर वो नीच राशि में चला गया तो उसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। या एक प्लैनेट, ऐसा नहीं कि आप लग्न कुंडली को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, लेकिन T9 में अगर वो ग्रह कमज़ोर हो जाता है, दुष्ट स्थानों में 6-8-12 भाव में चला जाता है, या शत्रु राशि में आ जाता है, या नीच की राशि में आ जाता है, या अस्त हो जाता है, तो उस केस में वो प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है प्लेनेट की। और इसके विपरीत, इसके
इससे उल्टे ये भी होता है कि एक प्लैनेट मान लिया आपका लग्न कुंडली में नीच की राशि में है, लेकिन वो D9 में चला गया और D9 में वो जाके उच्च की राशि में हो गया या मित्र राशि में हो गया या अच्छे भाव में चला गया, केंद्रीय त्रिकोण में चला गया, तो हम कह सकते हैं कि इस प्लैनेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है, तो वो आपको बुरे प्रभाव नहीं देगा। तो इसलिए D9 चार्ट आपका बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आते हैं वर्गास, डिफरेंट टाइप के वर्गास हैं, षट वर्गा है, सप्त वर्गा है, दस वर्गा है, षोडश वर्ग है, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स हमारे बने होते हैं, D1, D2, D3, D9, D10, D60 तक के चार्ट्स होते हैं जैसे आप जानते हैं। तो कोई सा भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एडिशनल टूल है आपके लिए जो और ज़्यादा एक्यूरेसी को बताता है। मान लिया आप कोई प्लैनेट आपका ऐसा है, जैसे बृहस्पति आप ले लें फॉर एग्जाम्पल, लग्न कुंडली के अंदर बृहस्पति धनु राशि में है या अगर अपनी ही राशि में बैठा हुआ है और मजबूत है, लग्न कुंडली कहती है कि प्लैनेट मजबूत है, स्ट्रांग है। प्लैनेट स्ट्रांग कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मान लीजिए कि आपका प्लैनेट स्ट्रांग है और धनु लग्न में धनु राशि में बैठा हुआ है, तो आप डिफरेंट वर्गों वर्ग चार्ट में देखिए उसको। वर्ग चार्ट में अगर आप षडवर्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 चार्ट में देखिए, षोडश वर्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 16 के 16 चार्ट में देखिए। तो उन चार्ट्स में अगर आप देखते हैं और आपको लगता है कि 60% चार्ट्स के अंदर, 16 में से 9 चार्ट्स के अंदर अगर वो आपका सेम साइन में है, बृहस्पति धनु राशि में ही है या बृहस्पति मित्र की राशि में भी है, तो वो बृहस्पति आपका बहुत स्ट्रांग कहलाएगा, क्योंकि वर्ष चार्ट के अंदर भी वो मित्र राशियों में गया है, शुभ गया है, और या अपने अपनी स्वयं राशि में गया है या उच्च की राशि में गया है। तो इसलिए ये वर्ग चार्ट की इंपॉर्टेंट बहुत जरूर होती है। उसके बाद आती है दशा स्कीम, दशा स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दशा स्कीम डिपेंड करती है, जैसे कहते हैं ना किसी इंसान की अगर नर्चरिंग अच्छी हो तो वो आदमी हमेशा जीवन में सक्सेसफुल होता है, किसी की परवरिश अच्छी हो। तो दशा जो जन्म के समय की दशा होती है, जिसे अंतरदशा स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा उसके अंदर, ये दशा तो बहुत लंबी होती है, 20 साल की, 15 साल की, 10 साल की। तो जो अंतरदशाएँ होती हैं, जिस समय इंसान का जन्म हुआ, जिस समय नेटिव का जन्म हुआ, जातक का जन्म हुआ, उस वक्त जो उसकी दशा चल रही थी अंतरदशा, वो अंतरदशा किसी अच्छे ग्रह की थी, मतलब ग्रह शुभ है या तो या शुभ भी ना हो, नैसर्गिक शुभ भी ना हो, कम से कम अच्छे भाव का स्वामी हो, त्रिकोण और केंद्र का स्वामी हो, इनका स्वामी हो और अच्छी जगह प्लेस्ड हो, शुभ ग्रहों से ध्रस्त हो, उसकी दशा अगर चल रही है तो इंसान की परवरिश बहुत अच्छी होती है। आप कुंडली देखिए कि जिनकी दशाएं जन्म के समय बहुत अच्छी दशाएं जिनको मिली, अंतरदशाएं भी स्पेसिफिकली, उनकी परवरिश अच्छी रही, उनकी नर्चरिंग अच्छी रही, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही और वो हमेशा सक्सेसफुल रहे। और जिन लोगों की कुंडली के अंदर आपको मिलता है कि जब पैदा हुए और जन्म की दशा इतनी अच्छी नहीं थी, दशा मीन्स स्पेसिफिकली अंतरदशा, तो उस केस में आपको दिखाई देगा कि पढ़ाई के अंदर व्यवधान रहा है, नौकरी में व्यवधान रहा है और अभी भी ढंग से सेटल नहीं हो पाते हैं, वो कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं। तो दशा जरूर देखनी चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए कि जो आपका लग्न क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि लग्न की करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, चंद्र राशि की करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। जैसे सिंह लग्न है, एवरीबडी नो सिंह लग्न है कि भाई ये आदमी लिव लाइफ किंग साइज वाला होगा, बिल्कुल रॉयल लाइफ जीने वाला होगा, मस्त चलने वाला होगा और बड़ा अग्रेसिव टाइप का होगा, शेर बड़ा अग्रेसिव होता है, और उसके अलावा वो चाहेगा कि जो मैं कहूँ वो सब माने। तो इसी प्रकार से मेष राशि वाला है, मेष राशि वाला जो जातक है वो बहुत एक्टिव रहता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है बहुत ज़्यादा, और उसे अगर बुखार भी हो जाए 100 डिग्री फारेनहाइट, उसके बावजूद भी वो मैंने घूमता रहेगा। लेकिन उसके विपरीत कन्या राशि वाला जातक भी बहुत अच्छा होता है, बट उसे अगर जुकाम भी हो गया तो वो बिस्तर पकड़ लेगा। तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको मालूम होना कि डिफरेंट लग्न की डिफरेंट राशियों की करेक्टरिस्टिक क्या है। और करेक्टरिस्टिक के साथ साथ ये बहुत जरूरी है, मान लिया आप वृश्चिक लग्न की या वृश्चिक राशि की करेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं, वो आपने याद किया, तो साथ में ये भी याद रखिए कि वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली में जिस घर के अंदर पड़ती है, वृश्चिक राशि पड़ती है 8वें भाव में, तो 8वें भाव की करेक्टरिस्टिक भी आपके अंदर आ जाएंगी। यानी आपको ऑकुलट साइंस अच्छी पसंद होगी, आप रहस्यवादी व्यक्तित्व के होंगे, आप सीक्रेटिव होंगे, आपकी बातों को निकालना आसान नहीं है और आप सीक्रेट सर्विसेज के अंदर बहुत तरक्की कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद देखना जरूरी है कि प्लैनेट जो आपके हैं डिफरेंट, वो किस राशि में गए हैं। अगर ज़्यादा प्लैनेट, 9 में से 5 प्लैनेट आपके अग्नि राशि में है, ये 1, 5, 9 अग्नि राशि है आपकी, तो
इंसान बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है, क्योंकि अग्नि राशि एक्शन को शो करती है। अगर आपके प्लैनेट ज़्यादा प्लैनेट 2, 6, 10 इन राशियों में है, ये पृथ्वी राशि कहलाती है, तो इंसान स्टेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी उसके अंदर बहुत होती है, धैर्य होता है उसके अंदर, बहुत सोच समझ के चलने की उसमें वो होती है, बड़ा सोच समझ के चलता है, वो स्लो चलता है लेकिन सोच समझ के चलता है। अगर सारी ग्रह आपके 3, 7, 11 में हो, सारे नहीं मीन्स मैक्सिमम ग्रह आपके 3, 7, 11 राशि में हो, वायु राशि में, तो ऐसा आदमी जब भी कभी अपने काम में डिसीजन लेगा तो बड़े इंटेलेक्ट के वे में लेगा, मतलब इंटेलेक्ट मीन्स के हर पैरामीटर को लगाएगा, सारे प्रोस एंड कॉन्स स्टडी करेगा, सारे लॉजिक स्टडी करेगा, सारे वेरिएबल्स स्टडी करेगा कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, उसके बाद वो डिसीजन लेगा। तो बहुत वो डिसीजन जो होगा वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल बेस्ड डिसीजन होगा बहुत ज़्यादा। अगर ज़्यादा प्लैनेट आपके 4, 8, 12 में है राशि में, तो ऐसा इंसान के जो डिसीजंस होंगे, अभी ऑफिस में भी आप देखिएगा कि वो डिसीजंस उसके इमोशनल बेस्ड डिसीजन होते हैं, इमोशंस के ऊपर ज़्यादा वो डिसीजन अपने लेके चलता है। और फिर उसके साथ साथ चार स्थिर धी स्वभाव राशि भी हमने ये बांटी हुई है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर देखने का कि अगर आपके ज़्यादा ग्रह चर राशि में है, 1, 4, 7 और 10 राशि में है ज़्यादातर ग्रह आपके, तो उससे क्या होगा कि इंसान की जो नेचर होगी वो मूवेबल टाइप की होगी बहुत ज़्यादा। वो हमेशा मतलब ऐसा जॉब करना चाहेगा, ऐसा प्रोफेशन करना चाहेगा जिसमें टूर और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, वो बड़ा अच्छा रहता है उसके लिए। अगर ज़्यादातर ग्रह स्थिर राशियों में हों, 2, 5, 8 और 11 में, तो ऐसा इंसान भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर चीज़ के फायदे हैं, लेकिन ऐसा इंसान अच्छा होता है प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं कहीं भी है, मतलब किसी भी ऑफिस के अंदर बैठ के आप उससे काम करा लीजिए, वो आपका काम बहुत शानदार करेंगे, बहुत प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन वो टूर ट्रैवल पसंद नहीं करते। दी स्वभाव वाले थोड़ा टूर ट्रैवल भी पसंद करते हैं, थोड़ा सा वैसा काम भी फिर करते हैं, लेकिन ज़्यादा टूर ट्रैवल पसंद नहीं करते। चार वाले राशियों वालों को ज़्यादा इसके अंदर होता है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया है, चार पार्ट में लेक्चर चलेगा, इसके आगे बताऊंगा और क्या क्या पैरामीटर देखे जाएंगे, जिससे कि चार मेरे ख्याल पार्ट बनेंगे इसके, उसको देखने के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाए कि कैसे हम कुंडली को प्रेडिक्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया हो तो काइंडली मोटिवेट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कोई कमेंट्स हो तो आपके जरूर सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।